नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में इस वीडियो के थ्रू हम लोग हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ द किंग अलेक्जेंडर वाज द किंग अलेक्जेंडर वाज आपको पर क्वेश्चन के आंसर के लिए पांच सेकेंड मिलेंगे और आपको आंसर करना है राइट आंसर इज ऑप्शन सी पोरस नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंशियट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वॉज मतलब नॉर्थ बिहार का पुराना नाम क्या था राइट आंसर इज ऑप्शन ए वज्जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजंस द ऋग्वेदिक पानी बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सिटीजंस राइट आंसर इज ऑप्शन बी ट्रेडर्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज विज द भगवदगीता ऑरिजिनली रिटर्न गीता जो है वो ओरिजिनली किस लेटर में लिखा गया मतलब किस लैंग्वेज में लिखा गया ऑप्शन ए संस्कृत नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पतंजलि इज वेल नोन फॉर द कॉम्पुलेशन ऑफ पतंजलि इज द वेल नोन फॉर द कॉम्पुलेशन ऑफ

ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया श्रीनगर झेलम नेक्स्ट क्वेश्चन द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गुरुमुखी स्क्रिप्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय राइट आंसर ऑप्शन सी गुरु अंगद नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु द नवाब ऑफ बेंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लेसी नवाब ऑफ बेंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ प्लेसी राइट आंसर ऑप्शन बी सिराज उदौला नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वेर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया लखनऊ कोलकाता मुंबई या फिर अहमदाबाद ऑप्शन सी मुंबई नेक्स्ट क्वेश्चन इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज प्रोमोगलेटेड इन विच ईयर इंडियन फैक्ट्री एक्ट वाज़ प्रोमोगुलेटेड इन विच ईयर राइट आंसर ऑप्शन ए 1881 नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु औरंगजेब अगेंस्ट औरंगजेब राइट आंसर ऑप्शन डी गुरु हरि राय ना जूम हो गया ये तो गेव द स्लोगन हु लिव्स इफ इंडिया डाइज मतलब ये नारा दिया अगर भारत ही नहीं रहेगा तो फिर कौन रहेगा ये नारा दिया था हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने नेक्स्ट क्वेश्चन आयरन मैन इज पॉपुलर नेम ऑफ विच फेमस पर्सनालिटी ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही है बता दो आपको आयरन मैन किन कहा जाता है और यह बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं लोह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को नेक्स्ट क्वेश्चन वेन वॉज स्वराज पार्टी स्टैब्लिस्ड वेन वॉज स्वराज पार्टी स्टैब्लिस्ड साल 1923 ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी हु द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी राइट आंसर ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले नेक्स्ट क्वेश्चन बैटल ऑफ प्लेसी वॉज फोर्ट इन विच इले वॉज फोर्ट इन विच ईयर पानीपत का फर्स्ट बैटल कब हुआ था यह आप मुझे कमेंट में बताओ मैंने आपको कल बताया था ऑप्शन बी 1757 नेक्स्ट क्वेश्चन विच रूलर फॉर द कालिंगा वार इन ईयर Two hundred sixty one B C. Which year fought the Kalinga war in year two hundred sixty one B C. Option C. Ashoka. Next question is, who shifted the capital of Magad from Rajgrih to Patliputra? Who shifted the capital of Magad from Rajgrih to Patliputra? राइट आंसर ऑप्शन ए उडाइन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रिवर इज मोस्ट डिस्क्राइब इन ऋग्वेद आपको बताना है इनमें से कौन सा रिवर है जो कि ऋग्वेद में बहुत ही ज्यादा डिस्क्राइब किया गया चेनाब इंडस गंगा या फिर सरस्वती ऑप्शन बी इंडस एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका बुद्धा अटेंड इन निर्वाणा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर बुद्धा अटेंड इन निर्वाणा ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आपका बताइए जल्दी से आंसर आंसर है आपका निरंजना जिसको फल्गु रिवर अभी फल्गु रिवर का पुराना नाम निरंजना था ठीक है वीडियो कहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ